हम भाईचारा फैलाएंगे क्योंकि तानाशाह आकर जाएंगे। स्वरा भास्कर रिसेंटली हैड गॉन ऑन अ डिबेट जहां पर वो एंटी सीएए आइडियाज को बता रही थी एंड देयर वाज अ डिबेट दैट वाज गोइंग ऑन, बट रिसेंटली उस डिबेट के कुछ क्लिप्स और पॉइंट्स जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे एंड स्वरा भास्कर इन रिटर्न स्टार्टेड गेटिंग ट्रोल्ड ऑब्वियसली फॉर हर पॉइंट्स एंड ओपिनियंस दैट शी शेयर्ड। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए स्वरा भास्कर ट्रोल हो रही है ऑन सोशल मीडिया वॉज व्हेन द जर्नलिस्ट आस्क्ड स्वरा भास्कर कि एनपीआर 2010 में भी लागू हुआ था, तब आपने क्यों आवाज नहीं उठाई। तो स्वरा भास्कर ऑफकोर्स इन रिटेली kind of said that tabhi main 15 saal ki thi and of course users on social media didn't leave that statement go unheard. Definitely they started putting out a lot of tweets against that particular statement. I'm sure Swara Bhaskar was trying to say that that time I didn't have that kind of awareness, or I didn't want to speak up at that point of time. I was just 15 years old. That was just a saying, but people on social media started talking about how Google shows that she's 31 years old. How can she be 15 years old back then? Another user said, Maths committed suicide. वहीं पर एक और यूजर ने कहा, आई थिंक स्वरा भास्कर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स हर मेंटल एज विच इज डिक्रीजिंग डे बाय डे। 15 इयर्स इन 2010, मे बी 8 और 9 इन 2020। सो दीज काइंड ऑफ ट्वीट्स स्टार्टेड कमिंग आउट, बट आई मस्ट से दैट शी, तिग्मांशु धूलिया, जीशान आयुब वर ऑल देयर इन दैट डिबेट जहां पर वो बात कर रहे थे कि क्यों अक्रॉस इंडिया देयर आर प्रोटेस्ट एंटी सीएए, एनआरसी एंड एनपीआर। दे पुट आउट द पॉइंट ऑफ व्यू. There was a heated argument between journalists and Swara Bhaskar. She did get told, and as Swara Bhaskar's Twitter bio reads, her pinned tweet says, basically, if I'm not involved in a Twitter controversy once a week, assume I'm dead. And that's exactly what's happening with her in the last couple of months, back to back, because she's voicing out opinions, she's getting trolled. वो ट्रेन बंद कराएंगे, वो बसें बंद कराएंगे, हम पैदल चलकर आएंगे, हम मंजी यहीं बिछाएंगे, हम संविधान को बचाएंगे, हम तिरंगे को लहराएंगे, हम भाईचारा फैलाएंगे क्योंकि तानाशाह आकर जाएंगे। बॉलीवुड से स्वरा भास्कर को काफी सपोर्ट मिला फॉर द डिबेट दैट शी हैड एंड फॉर द पॉइंट्स शी रेज्ड इन दैट पर्टिकुलर डिबेट, जहां हंसल मेहता उनके सपोर्ट में आए। उन्होंने कहा, आई सल्यूट यू फॉर गोइंग टू अ फोरम रन बाय अ टोटली सोल्ड आउट मीडिया एंड गिविंग देम बैक विथ नो अनसर्टेन वर्ड्स, रिस्पेक्ट। ऑन द अदर हैंड, विक्रमादित्य मोटवानी ऑल्सो सेड, इंसल्ट हर, डिमीन हर, resort to for nationalism to rile up that hostile crowd, and Swara Bhaskar gives it back with so much clarity and dignity. Beautiful. और इसी तरीके से जहां एक तरफ उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, दूसरी तरफ उन्हें काफी ज्यादा सपोर्ट भी मिल रहा है, बिकॉज शी वेंट आउट ऑन दैट डिबेट एंड आर्टिकुलेटली पुट आउट her points and her opinions forward, which was great to see, because celebrities voicing out opinions is slightly rare, but here she is breaking all the norms, and more power to Swara Bhaskar for voicing her opinions out.